दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू डेविल एंड कॉम्पिटेटिव क्लासेस। दिस इज चंदन सही है। दोस्तों जैसा कि हम लोग उस मंजिल की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जो हमारा मंजिल है कि 1000 क्वेश्चन तक आपको ले चलना है और मैक्सिमम क्वेश्चंस का जो है सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से करवाते चलना है और उस सॉल्यूशन तक हम ले जाएंगे और इस मंजिल की ओर आगे बढ़ते हुए। आज जो मेरा एपिसोड है वो एपिसोड 7 है, ठीक है। तो इस एपिसोड 7 का फर्स्ट क्वेश्चन और इस मिशन सीरीज का 71st क्वेश्चन, ठीक है, इन सब का सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं। चलिए हम लोग चलते हैं, तो आज शुरू करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। द बॉक्स ऑफ पेपर क्लिप्स आर केप्ट इन द ड्रॉअर, ठीक है ना। अब इसमें इधर कहां है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले जब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो सबसे पहला हमारा इधर बनता क्या है, या ऐसा डाउट होता है, गेस होता है कि हमारा पहला इधर होना चाहिए सब्जेक्ट और वर्ब, इसी से रिलेटेड हमारा इधर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। ध्यान दीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 71 का सॉल्यूशन करा रहा हूं, इसको थोड़ा गौर से समझिएगा, ठीक है ना। कि 2-3 सेंटेंस में लिख करके बता रहा हूं चीजें को। रामू हैज गॉन देयर, सेकेंड सेंटेंस। द मेंबर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन इज और आर रेडी टू डांस। थर्ड क्वेश्चन, द फार्मर्स ऑफ रूरल एरियाज इन इंडिया आर एक्सट्रीमली पुअर, ठीक है दोस्त। जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो सेंटेंस मैं बता रहा हूं इसमें 2-3 चीज बता रहा हूं। देखिए सेंटेंस को दो भागों में मैं बांट के बता रहा हूं। पहला भाग जो होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, दूसरा भाग जो होता है वो प्रेडिकेट भाग होता है, ठीक है ना, प्रेडिकेट होता है। फर्स्ट सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट होते हैं वो सब्जेक्ट का पार्ट होते हैं और सेकेंड पार्ट जो सेंटेंस के होते हैं वो प्रेडिकेट के पार्ट होते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आइए हम पहचानेंगे कैसे कि ये मेरा प्रेडिकेट पार्ट है और ये मेरा सब्जेक्ट पार्ट है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे ही वर्ब से शुरू हो जाए और वर्ब से शुरू होकर अंत तक जो भी जाएंगे सारे के सारे प्रेडिकेट पार्ट होंगे, और उस वर्ब से पहले जो भी आएंगे वो सारे के सारे सब्जेक्ट पार्ट होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप बता सकते हैं कि प्रेडिकेट भाग कौन है। इस क्वेश्चन में प्रेडिकेट आपका हो जाएगा इज और आर, ये वर्ब है ना, वर्ब से शुरू होकर के अंत तक जो भी जाएंगे ये सारे के सारे प्रेडिकेट भाग कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्रेडिकेट भाग कहलाएंगे। और यहां से यहां तक लेकर आपका ये पार्ट हो गया आपका सब्जेक्ट पार्ट, ठीक है ना। आगे आइए, द फार्मर्स ऑफ रूरल एरियाज इन इंडिया आर एक्सट्रीमली पुअर। आप मुझे बताएंगे इसमें प्रेडिकेट पार्ट कौन से है। ये वर्ब है ना, यहां से शुरू होकर जो भी जाएंगे सारे के सारे प्रेडिकेट पार्ट कहलाएंगे, ठीक है। और ये यहां से लेकर यहां तक जो भी आएंगे वो सारे सब्जेक्ट पार्ट कहलाएंगे, ठीक है, होगा ना, सब्जेक्ट पार्ट कहलाएंगे। अब जरा मैं थोड़ा सा यहां देखता हूं कि हमारा जो है प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब है, और निश्चित रूप से हम जानते हैं कि वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होता है। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होंगे तो वर्ब सिंगुलर होंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होंगे तो वर्ब भी
प्लूरल होंगे। ठीक है, अब जरा आइए कि यहां पर हम देखें कि इस प्रेडिकेट पार्ट के लिए वर्ब आपका है हैज, और मुझे पता है कि हैज जो है वो सिंगुलर है, ठीक है ना, हैज क्या है ये सिंगुलर है, तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा, तो रामू है, नेम है, प्रॉपर नाउन है, ये सिंगुलर है, इसके अनुसार सिंगुलर हो गया। ये तो बड़ा आसानी से हम लोग पता लगा लिए कि सब्जेक्ट भैया सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट एक शब्द का बना है, इसलिए आसानी से आप पता लगा लिए। यदि सब्जेक्ट एक से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ हो तब बताइए कि हम क्या यूज करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, हम इस सेंटेंस में थोड़ा आपको ले चलते हैं कि द मेंबर्स प्लूरल है ना, क्या है ये प्लूरल है। इंस्टीट्यूशन क्या है सिंगुलर है, ठीक है ना। अब यहां पे बताइए मेरा वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, गौर से इन चीजों को समझिएगा। यहां पे आने वाला मेरा वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, इसके लिए मैं आपको बताऊं बहुत इंपॉर्टेंट चीज। यदि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर कोई भी एक सब्जेक्ट का अगर निर्माण होता है तो याद रखिएगा कि उस सब्जेक्ट में एक वर्ड जो होंगे वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे, जिसे हम सब्जेक्ट वर्ड की श्रेणी में रखते हैं। क्या रखते हैं उसको, सब्जेक्ट वर्ड रखते हैं, ठीक है। अब वर्ब का जो प्रयोग होता है वो पूरी सब्जेक्ट के अनुसार नहीं होता है, वो सब्जेक्ट वर्ड के अनुसार होता है। वर्ब का जो प्रयोग होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बल्कि सब्जेक्ट वर्ड के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। अब आइए कि आप ये कह सकते हो कि सर आपने तो बहुत आसानी से कह दिया कि एक इंपॉर्टेंट वर्ड होगा जो सब्जेक्ट वर्ड होगा और उसी के अनुसार सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। अब वो इंपॉर्टेंट वर्ड हम कैसे पहचाने, है ना। तो चलिए आपको पहचानने का एक तरीका बताते हैं कि यदि दो या दो से अधिक शब्दों से जुड़कर अगर सब्जेक्ट का निर्माण होता है तो याद रखिएगा कि उस सब्जेक्ट में प्रीपोजिशंस होंगे, क्योंकि शब्दों को जोड़ने का काम प्रीपोजिशन करेगा, ठीक है ना। तो कितनी भी प्रीपोजिशन लग जाए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, देखना यह है कि उस सब्जेक्ट में सबसे पहले आने वाले प्रीपोजिशन कौन है। जो प्रीपोजिशन सबसे पहले आएंगे उस प्रीपोजिशन के ठीक पहले आने वाले जो भी नाउन या प्रोनाउन होंगे उसी नाउन या प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट वर्ड की संज्ञा देंगे और उसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। अब जरा चलिए इस सेंटेंस में देखते हैं कि इस सेंटेंस में एक प्रीपोजिशन ऑफ है और कहीं प्रीपोजिशन है क्या, नहीं है, तो एक ही प्रीपोजिशन है। तो इस प्रीपोजिशन के ठीक पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल, प्लूरल। आप ध्यान रखिएगा यही नाउन या प्रोनाउन आपका क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट वर्ड कहलाएगा, सब्जेक्ट वर्ड कहलाएगा, कौन, ये सब्जेक्ट वर्ड कहलाएगा और इसी सब्जेक्ट वर्ड के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। वर्ब यहां पे क्या होगा, इसकी आर, क्योंकि ये है प्लूरल इसलिए वर्ब हो जाएगा आर। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। द फार्मर्स ऑफ रूरल एरियाज, द फार्मर्स ऑफ रूरल एरियाज इन इंडिया आर एक्सट्रीमली पुअर। ध्यान दीजिएगा इसमें कि यहां पे हम देख रहे हैं कि एक प्रीपोजिशन आपका यहां है, एक प्रीपोजिशन आपका यहां है ना। आपका ये फार्मर्स जो है ये प्लूरल है, एरियाज जो है ये प्लूरल है, इंडिया जो है ये सिंगुलर है। अब बताओ भैया यहां पे आर को लगा हुआ है, क्या इसमें लगा दूं, इसका प्रयोग संभव है। अब ये देखना है कि सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है, तो सबसे पहले आने वाले प्रीपोजिशन के ठीक पहले आने वाले जो नाउन या प्रोनाउन होंगे वही नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट वर्ड का काम करते हैं और इन्हीं के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। तो सब्जेक्ट वर्ड आपका प्लूरल है इसलिए वर्ब क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे, यानी वर्ब यहां पे सिंगुलर नहीं होगा, ठीक है ना, क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। अब आगे आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में। द बॉक्स ऑफ पेपर क्लिप्स, अब यहां वर्ब है ना, इस वर्ब के ग्रुप ऑफ वर्ड्स है यहां पे सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट में अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड होगा जिसे हम सब्जेक्ट वर्ड कहते हैं। और ये पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया कि ठीक प्रीपोजिशन के पहले जो आने वाले होंगे,
ठीक है ना भाई। ठीक, प्रीपोजिशन के पहले आने वाले जो होंगे वही जो होंगे वो सब्जेक्ट वर्ड होंगे। अब बताइए बॉक्स है या बॉक्सेज है? बॉक्स है, ये नाउन है। नाउन अपने मूल फॉर्म में क्या होते हैं? सिंगुलर, उनका प्लूरल बनाया जाता है। बॉक्स अपने मूल फॉर्म में सिंगुलर है, यानी ये जो आप देख रहे हो ये बॉक्स सिंगुलर है, तो वह भी क्या आ जाना चाहिए? क्या आ जाना चाहिए? सिंगुलर आ जाना चाहिए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 272। टू राइट अ पोएम आई नीड अ पेन, अ डायरी एंड ऑल्सो द क्वाइट प्लेस। ठीक है ना, यानी कह रहा है कि पोएम लिखने के लिए मुझे चाहिए, आई नीड अ पेन, एक पेन चाहिए, एक डायरी चाहिए एंड ऑल्सो द क्वाइट प्लेस, और साथ ही साथ एक मतलब शांत जगह भी चाहिए जिसमें वो सोच सके। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं। यहां पे एक रूल है ग्रामर का, जो रूल पंक्चुएशन का है। ठीक है ना, 72 ये रूल जो है पंक्चुएशन का है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा कि पंक्चुएशन के रूल में कहता क्या है कि जब कोई नाउन लिख रहे हैं, ठीक है ना, या प्रोनाउन लिख रहे हैं जो भी हो, उसके बाद कॉमा, फिर नाउन या प्रोनाउन, फिर कॉमा, फिर नाउन या प्रोनाउन, पुनः कॉमा, ठीक है ना, फिर नाउन या प्रोनाउन, पुनः कॉमा, और अंत में ले जाके हम लोग क्या करते हैं? एंड लिख देते हैं, अतः फिर नाउन या प्रोनाउन आ जाता है। ठीक है ना, यानी कॉमा कॉमा एंड, ठीक है ना, कॉमा कॉमा एंड। अब यहां पे देखिए, यहां पे आई नीड अ पेन, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद कॉमा आ गया, फिर अ डायरी, ठीक है ना, और उसके बाद कॉमा, उसके बाद यहां पे एंड आना चाहिए, एंड आ गया है। यहां पे ऑल्सो की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, यहां पे ऑल्सो जो लिखा हुआ है ये सुपरफ्लूस है। ठीक है ना, ऑल्सो सिर्फ सुपरफ्लूस है, बाकी सब सही है, क्योंकि कॉमा कॉमा के बाद एंड आ जाता है तो पता चल जाता है कि ये भी चाहिए। ठीक है ना, अब ये भी चाहिए पहले से ही पता है, और ऑल्सो लगा करके फिर भी लगाते हैं तो डबल टोन में रिस्पेक्ट, इट इज नॉट गुड। ठीक है ना, इसलिए ऑल्सो यहां सुपरफ्लूस है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73। इंस्टेड ऑफ स्टडिंग इन होम आई वेंट टू माय फ्रेंड्स हाउस। इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या होता है? इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बदले में। ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग इन होम यानी घर में पढ़ने के बदले में, ठीक है ना, आई वेंट टू माय फ्रेंड्स हाउस, मैं अपने दोस्त के घर गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि एक फ्रेज है भाई साहब, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 73 ये एक फ्रेज है, हमेशा याद रखिएगा, होम के साथ एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, ही इज एट होम, दे आर एट होम, माई फादर इज एट होम, इस तरह होम के साथ हम क्या यूज करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। चलिए आप तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 74। वन शुड बी केयरफुल टू री रीड व्हाट दे हैज रिटन। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि इस 74 क्वेश्चन में हम वन के बारे में थोड़ा सा जिक्र मैं करता हूं। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, वन जो है इसका दो मीनिंग निकलता है। एक मीनिंग निकलता है वन का मतलब हर कोई या हर कोई भी। ठीक है, और एक इसका मीनिंग निकलता है एक। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा हम ये क्यों बता रहे हैं कि इसका दो मीनिंग निकलता है, कैसे यूज होता है। ठीक है ना, वन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है वो पजेसिव एडजेक्टिव का ईरर आता है। ठीक है ना, वन से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वह क्वेश्चन आता है पजेसिव एडजेक्टिव का ईरर आता है। अब ये पजेसिव एडजेक्टिव के ईरर की जब बात करते हैं तो थोड़ा ध्यान से इस चीजों को समझिएगा कि जब वन का मतलब हर कोई होगा, ठीक है ना, तो इनके लिए कभी भी कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव का अगर प्रयोग आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव का अगर जरूरत अगर पड़ जाए तो पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में वंस का प्रयोग होगा। ठीक है ना,
यदि इनके लिए ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग आ जाए तो फिर वन का प्रयोग होगा। कब? ठीक है ना, वन का प्रयोग होगा जब इन्हें ऑब्जेक्टिव केस की आवश्यकता पड़े। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्टिव केस की आवश्यकता पड़ेगी तो यहां वन का प्रयोग होगा, और पॉजिटिव केस की आवश्यकता पड़ेगी तो वन का प्रयोग होगा। और आगे बढ़िए, जब इन्हें कोई अलग से प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ जाए, ठीक है ना, प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ जाए, यानी कह सकते हैं कि अगर इन्हें एक सब्जेक्ट की जरूरत पड़ जाए और इनके बदले में अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो फिर वहां भी हम वन का ही प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ? अब जरा एग्जांपल देखते हैं। वन शुड डू, अब आइए यहां पे वन से ड्यूटी हो जाएगा, ठीक है ना, वन शुड डू, अब यहां पे आ जाएगा वंस ड्यूटी, यानी हर किसी को अपना कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। ठीक है ना, अब यहां पे हर किसी के लिए यहां पे हिज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, अगर हिज का प्रयोग करते हैं तो गलत होगा। ठीक है ना, एक और सेंटेंस लिखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा कि वन शुड रिस्पेक्ट, अब यहां पे हम लिखना है हमें वंस या हिज, अब यहां पे हम लिख दिए इल्डर। आप मुझे बताइए कि वंस शुड रिस्पेक्ट वंस इल्डर या हिज इल्डर, निश्चित रूप से हिज का प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा, वंस का प्रयोग होगा। इसका मतलब है कि हर किसी को अपने बड़े की इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, तो यहां वन का मतलब हर कोई या हर कोई भी हो रहा है, इसलिए जब हर कोई या हर कोई हो, इसके लिए अलग से पॉजिटिव एडजेक्टिव की जरूरत पड़े वन के लिए तो वंस हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में वन होगा, और प्रोनाउन या सब्जेक्ट की अगर जरूरत पड़े तो वन होगा। चलिए आगे, यदि इनका मतलब एक हो, ठीक है ना, तो अब बताइए कि अगर एक होगा तो इनके लिए जरूरत पड़ी आपका पजेसिव एडजेक्टिव, इनके लिए जरूरत पड़ी आपका ऑब्जेक्टिव केस, अगर जरूरत पड़ी इनके लिए अलग से प्रोनाउन, ठीक है ना, या सब्जेक्ट इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इनके लिए सिर्फ और सिर्फ ही फैमिली आएंगे, बाकी कोई नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ ही फैमिली आएंगे अगर इसका मतलब एक होगा तो। ठीक है, अब देखिए, ध्यान दीजिएगा इसको कि ही फैमिली ही क्यों आएगा। ध्यान रखिएगा कि यदि वन का प्रयोग, वन एक प्रोनाउन है, यदि वन का प्रयोग उस नाउन के लिए आया है जिस नाउन से हमें जेंडर ना पता चले तब फिर हम ही फैमिली का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, और लेकिन यदि जेंडर मुझे पता चल जाए तो फिर अकॉर्डिंग टू जेंडर। ठीक है ना, तो यहां तो या तो ही फैमिली आएंगे, ठीक है ना, या तो ही फैमिली आएंगे और नहीं तो फिर सी फैमिली आएंगे, बस यही दो आएंगे, ही फैमिली या सी फैमिली। सी फैमिली कब आएंगे, जब जेंडर पता चलेगा तो, और अगर जेंडर नहीं पता चल रहा है कि जेंडर क्या है उस नाउन का, तो फिर मान लेंगे कि भारत पितृ प्रधान देश है, पिता की प्रधानता होती है, इसलिए वहां पे ही फैमिली हम लगा डालेंगे। ठीक है, अब जरा देखिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, इसको गौर से समझिएगा। पहला सेंटेंस, There are five students in this class. अब यहां पे हम लिख रहे हैं कि one has to perform. अब यहां पे हमें लिखना है, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे हिज लिखे, यहां पे हर लिखे, या यहां पे वंस लिखे,
और इसके बाद हमको लिखना है डेंस डेंस। अब ध्यान दीजिएगा कि देयर आर फाइव स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, इस क्लास में पांच विद्यार्थी हैं। वन हैज टू परफॉर्म, एक को परफॉर्म करना है, यानी उन पांच विद्यार्थियों में से एक को परफॉर्म करना है। हिज डांस, हर डांस या वंस डांस, क्या होंगे यहाँ पे? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें स्टूडेंट से यह पता नहीं चला कि यह स्टूडेंट में जेंडर क्या है। क्या मैस्कुलिन जेंडर वाले सभी स्टूडेंट हैं, फेमिनिन जेंडर वाले स्टूडेंट हैं, हमें पता नहीं चला। जब नहीं पता चला तो फिर हम हर नहीं लगाएंगे और वंस नहीं लगाएंगे, सीधा का सीधा क्या हो जाएगा, हिज लगाएंगे। वंस तो लगेगा ही नहीं है वहां, वंस तो यहां आता है तो वंस तो पहले ही छट गया। बाकी हिज और हर की बात अगर करते हैं तो यहाँ पे हिज का प्रयोग आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, जरा यहीं पे मैं लिख रहा हूं एग्जाम्पल सेकेंड, ठीक है ना, समझिएगा। देयर आर टू गर्ल्स इन दिस ग्रुप, ठीक है ना। अब आइए, अब यहीं पे हमको लिखना है कि वन इज रेडी टू, वन इज रेडी टू डोनेट। अब आइए, हिज होगा या हर होगा, और उसके बाद मैंने लिखा मनी। वन इज रेडी टू डोनेट हिज या हर मनी, क्या होगा बताइए, ठीक है ना। देखिए यहां पे हिज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये जो वन आया है कह रहा है कि देर आर टू गर्ल्स इन दिस ग्रुप, इस ग्रुप में दो लड़कियां हैं, उनमें से एक। वन इज रेडी टू डोनेट हिज मनी, ठीक है ना, एक अपना पैसा डोनेट करना चाह रही है, ठीक है ना। तो अब बताइए यहां पे हिज का प्रयोग होगा नहीं होगा, क्या होगा, हर का। तो इसका मतलब हुआ कि यदि मुझे जेंडर पता चल जाए तो अकॉर्डिंग टू जेंडर, अगर जेंडर ना पता चले तो ही फैमिली को लगा देंगे, क्योंकि वन सिंगुलर है, दे कभी नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जब भी आएंगे इनके लिए या तो ही या सी आएंगे, दे नहीं आएंगे क्योंकि ये प्लूरल नहीं है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75। सुनीता इज सीनियर टू मी इन दिस ऑफिस एंड नो ऑल द रूल्स, ठीक है ना। अच्छा पहले उसको देखे नहीं ना हम लोग, इसको कंप्लीट नहीं देखिए। वन शुड बी केयरफुल टू रीरीड व्हाट दे हैज रिटेन। अब यहां पे देखिए कि यहां पे इस दे के बदले में हमें प्रोनाउन दे जो है ये गलत है। यहां पे प्रोनाउन था और ये प्रोनाउन किसके लिए आया है, वन के लिए आया है, तो वन के लिए प्रोनाउन वन ही आएंगे अगर हर कोई की बात कर रहा हो तो, और अगर हर कोई की बात नहीं करता तब यहां ही आता, ठीक है ना। तो आपको ये लग रहा होगा कि सर आप कैसे बता दिए कि ये हम वन का मतलब हर कोई है, क्लियर है। देखिए वन शुड बी केयरफुल, हर किसी को केयरफुल होना चाहिए टू रीरीड, उसे पुनः पढ़ने के लिए व्हाट वन हैज रिटेन, जो वह लिख चुका है। अब बताइए जो वह लिख चुका है किसके लिए आया है, वन के लिए आया हुआ, ठीक है ना। यानी हर किसी को यह लिख केयरफुल होना चाहिए उस चीज को जो लिखे हैं उसको फिर से एक बार पढ़ ले, ठीक है ना, इसमें केयरफुल होना चाहिए। तो हर किसी के लिए आया है इसलिए दे का प्रयोग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वन का प्रयोग होगा, और वन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है क्योंकि वन एक सिंगुलर है और वर्ब भी क्या हो जाएंगे, सिंगुलर हो जाएंगे, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं 75 में कि ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना। इसमें जो जो पॉसिबिलिटीज बन रही है मैं दोनों पॉसिबिलिटीज को डिस्क्राइब कर देता हूं, ठीक है ना। सबसे पहले आइए कि जब कभी हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, जब कभी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है तो जनरली कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का प्रयोग संभव नहीं है,
ठीक है ना। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का प्रयोग होता है, लेकिन इसका मैं कुछ एग्जांपल लिखवा देता हूं। जैसे ही इज बेटर देन आई, ठीक है ना। रमेश इज मोर लेबोरियस देन सुरेश, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यहां पे ये मेरा कंपैरेटिव डिग्री है बेटर, इनके साथ हमने लगाया देन। यहां पर मेरा कंपैरेटिव डिग्री है मोर, इसके साथ मैंने लगाया देन, ठीक है ना। तो जितने भी कंपैरेटिव डिग्री हैं, जनरली कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम देन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले दूसरा संभावना इसका देखिएगा, ठीक है ना। कुछ ऐसे कंपैरेटिव डिग्री हैं जिनके साथ देन का प्रयोग नहीं होता है, उस देन के जगह पे टू का प्रयोग होता है। वैसे कंपैरेटिव डिग्री कौन है ध्यान रखिएगा, कुछ लैटिन कंपैरेटिव है, समझे। जैसे देखिए मैं बता रहा हूं, इन्फेरियर सुपीरियर जूनियर सीनियर, ठीक है ना। ये देखिए जरा ध्यान दीजिएगा कि ये आई ओ आर से समाप्त होने वाले, ठीक है ना, आई ओ आर से समाप्त होने वाले एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो ये आई ओ आर से समाप्त होने वाले जो एडजेक्टिव हैं, इसमें और एडजेक्टिव है एंटेरियर और एक है आपका पोस्टेरियर, ठीक है, समझ गए। और एक इसमें एडजेक्टिव आता है प्रायर, प्रायर, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जितने भी एडजेक्टिव हैं जिनकी समाप्ति आई ओ आर से हो रही है या ओ आर से हो रही है, तो वो सारे के सारे एडजेक्टिव कंपैरेटिव तो हैं, लेकिन इन सभी एडजेक्टिव के लिए जैसे ही मुझे जरूरत पड़ती है तो टू का प्रयोग करते हैं, इनके साथ देन या देन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। इनके साथ देन या देन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ही इज जूनियर टू मी, है ना, ही इज जूनियर टू मी। क्लियर हो गया। अब आपको एक क्वेश्चन और यहां पे डाउट मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आप देख रहे हैं कि यहां कंपैरेटिव में मैंने ऑब्जेक्टिव केस लिखा, जबकि यहां कंपैरेटिव में मैंने सब्जेक्टिव केस लिखा, ये दोनों में क्यों ऐसा हुआ कि एक तरफ सब्जेक्टिव और एक तरफ ऑब्जेक्टिव मैंने लिखा, ठीक है ना। रीजन है होने का, जरा ध्यान दीजिए क्या रीजन है, ठीक है। इस रीजन को मैं यहां पे बताता हूं, क्वेश्चन नंबर वन को मैं मिटा देता हूं, तब तक आपका स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। चलिए देखिए यहां पे मैं बता देता हूं, यहां पे हमने लिखा जूनियर टू मी, यहां पे लिखा बेटर देन आई, ऐसा क्यों हुआ ध्यान रखिएगा कि ये जो है टू एक प्रीपोजिशन है, ठीक है ना, और प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है, तो वह नाउन या प्रोनाउन ध्यान रखिएगा कि वो कभी भी किसी भी हालत में वो सब्जेक्टिव केस में नहीं होगा, जब भी होगा वो ऑब्जेक्टिव केस, सॉरी जब भी होंगे वो ऑब्जेक्टिव केस में होंगे, ठीक है ना, कभी ये सब्जेक्टिव केस में नहीं होगा। ये प्रीपोजिशन नहीं है तो कंजंक्शन है ना, तो यहां इसलिए आई का प्रयोग हुआ है। अब मैं बताता हूं कि एडजेक्टिव का एक रूल है, ऐसे तो मैं पढ़ाने लगूंगा तो बहुत लंबा खींचा चला जाएगा एक क्वेश्चन को लेकर के, कि एडजेक्टिव का एक रूल है कि जब भी कंपैरिजन सब्जेक्ट का हो तो सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए, यानी सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, समझ में गया। अब देखिए यहां पे कि ही इज बेटर देन आई, वह मुझसे अच्छा है, यहां किसका कंपैरिजन हो रहा है, यहां कंपैरिजन हो रहा है इस सब्जेक्ट का किससे, इस सब्जेक्ट से, इसीलिए कंपैरेटिव डिग्री में दोनों तरफ सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है यदि कंपैरिजन सब्जेक्ट का हो। क्लियर हो गया।
अब यहां पर भी कंपैरिजन सब्जेक्ट का ही हो रहा है, लेकिन यहां पे एक प्रीपोजिशन टू आ गया है, इसीलिए टू के बाद आने वाले जो भी नाउन या प्रोनाउन होते हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं, कभी वो सब्जेक्टिव केस में नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया ये। चलिए आगे अब देखते हैं कि यहां पे दो सेंटेंस एंड से जुड़ा हुआ है, यानी कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। देखिए यही आपका जो है कंजंक्शन है, ठीक है ना। यहां पे दो सेंटेंस कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है और इन दोनों सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट एक है, ठीक है ना। दोनों कंजंक्शन के लिए सब्जेक्ट आपका क्या है? सुनीता। जब दोनों कंजंक्शन के लिए सब्जेक्ट एक है तो ध्यान दीजिएगा, इस सुनीता जो है यह सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके लिए एक तो वर्ब आप यहां सिंगुलर आ गया, और यह जो वर्ब आप देख रहे हैं इसका भी सब्जेक्ट सुनीता ही है। तो जब इसका भी सब्जेक्ट सुनीता है तो सुनीता के साथ नो नहीं, सुनीता के साथ क्या होना चाहिए? नोज होना चाहिए। अब यह आपका सेंटेंस सही हुआ। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। प्रेरणा इज द गर्ल इन माय क्लास हु राइट ब्यूटीफुल पोएम। ध्यान दीजिएगा इसमें रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना, रिलेटिव प्रोनाउन के साथ आने वाले वर्ब से रिलेटेड इरर है ना। मैं पिछले एपिसोड में बताया हूं, आप लोग ऐसा करेंगे कि एक बार जो भी मैं अब तक 6 एपिसोड अपलोड कर चुका हूं वो सारे एपिसोड देख लीजिए। मैं बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो लोड किया हूं, उसमें कोई एडिटिंग नहीं हुआ है। रीजन है कि नेट थोड़ा स्लो चल रही है और मतलब इंटरनेशनल कंजेशन हो गया है वाईफाई में, तो इसको लेकर के थोड़ा सा एडिटिंग नहीं हो पा रही है अच्छी तरह। तो मैं क्या कर रहा हूं कि ओरिजिनल वीडियो ही डाल दे रहा हूं, क्योंकि मेरी पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए, बच्चे हमेशा कंटिन्यू लगे रहने चाहिए, इसको लेकर के मैं काफी तत्पर हूं और मैं कंटिन्यू जो है ये वीडियो डाल रहा हूं, ठीक है ना। इसमें कुछ लोग कमेंट भी किए हैं, ठीक है ना, कि पूरी दुनिया कोरोना से परेशान है और आप अपना वीडियो डालने के चक्कर में लगे हुए हैं, ठीक है ना। आप बच्चे को पढ़ाई देने के चक्कर में लगे हुए हैं, बच्चे पहले जिंदगी रहेगी तब तो पढ़ेंगे। अरे भैया जिंदगी रहेगी, आप हार क्यों जा रहे हो जिंदगी से? जब हम घर में बैठे पढ़ा रहे हैं तो आप घर में बैठे पढ़ लो, नहीं निकलो बाहर, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अपना काम करते रहेंगे, ठीक है ना। फिर स्थिति समान आएगी, हम अगर कंटिन्यू अभी स्टडी में रहेंगे तो हमारी स्टडी बरकरार रहेगी, आगे भी हम बढ़ते चले जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो रिलेटिव प्रोनाउन से रिगार्डिंग इरर है इसमें, तो मैं बताया हूं कि जब कभी रिलेटिव प्रोनाउन का जिक्र हो तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब अगर आता है और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आता है, यही होता है ना। ध्यान दीजिएगा, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इनका हमेशा हिंदी आप निकालिएगा तो ज ही निकलेगा, ठीक है ना। जो, जिसे, जिन्हें, जिसका, जिस किसी का, ठीक है ना, जो भी, इनका रिलेटिव प्रोनाउन का हमेशा हिंदी की जगह तो पहला लेटर का हिंदी ज होगा, ठीक है। इस रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए आया है, जिस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए आया है, वह सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहलाता है, ठीक है ना। और इसी एंटीसीडेंट के अनुसार, इसी एंटीसीडेंट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। अब जरा देखिए कि यहां पे हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब होता है जो। कह रहा है कि प्रेरणा इज द गर्ल इन माय क्लास, प्रेरणा मेरे क्लास में वैसी लड़की है जो राइट ब्यूटीफुल पोएम, खूबसूरत कविताएं लिखती है, खूबसूरत कविता लिखती है, ठीक है ना। कौन खूबसूरत कविता लिखती है? प्रेरणा। प्रेरणा कौन है? गर्ल, यानी यह जो आया है किसके लिए आया है? गर्ल के लिए। अब मुझे बताइएगा कि अगर ये इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट गर्ल है, गर्ल सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर नाउन है, और अगर ये सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे राइट्स जो है वो क्या हो जाएंगे? सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, जबकि राइट प्लूरल है, इसमें एस लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए।
चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। हार्डली हैड आई अराइव्ड एट द स्टेशन देन द ट्रेन केम, ठीक है ना। चलिए इसमें आपको बता दूं कि इसमें हार्डली, स्कार्सली और बेयरली, ठीक है, ये जो है कंजंक्शन है 77। हम कोरिलेटिव कंजंक्शन के बारे में मैं आपको बताया था, ठीक है, इसके शायद एपिसोड 5 में शायद मैं बता चुका हूं, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना, कि हार्डली, हार्डली, स्कार्सली और बेयरली, हार्डली, स्कार्सली और बेयरली, ठीक है ना। इन तीन के बाद ध्यान रखिएगा एक चीज तो सबसे ज्यादा जरूरी है, वह जरूरी है कि इनके बाद इन्वर्जन का प्रयोग होता है, इनके बाद इन्वर्जन का प्रयोग होता है। इन्वर्जन क्या होता है कि इन्वर्जन में वर्ब के बाद सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है ना, यानी सब्जेक्ट के पहले वर्ब का प्रयोग होता है। दूसरा ध्यान रखिएगा कि हार्डली, स्कार्सली, बेयरली के बाद जो दूसरा सेंटेंस आएगा उस सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का प्रयोग होता है व्हेन, देन और देन, ठीक है ना, देन और देन नहीं होगा, जब भी कंजंक्शन का प्रयोग होगा तो व्हेन का प्रयोग आ जाएगा, ठीक है ना, किसका प्रयोग होगा, व्हेन का प्रयोग होगा हार्डली, स्कार्सली और बेयरली के साथ। देखिए यहां पे जो लिखा हुआ है आपका, यहां देन लिखा हुआ है जबकि गलत है, देन का प्रयोग नहीं होता है, यहां पे जब भी होंगे तो व्हेन का प्रयोग होंगे। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। आई यूज टू गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक व्हेन आई वॉज लिविंग देहरादून। चलिए इसका भी मैं पिछले एपिसोड में बताया हूं कि जब भी सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद अगर यूज टू का प्रयोग होता है तो याद रखिएगा यूज टू के बाद भीवर का प्रयोग होगा, लेकिन यदि सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू बी का प्रयोग होता है, वर्ब टू बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, तो जब भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू बी का प्रयोग होता है और उसके बाद अगर यूज टू आते हैं तो याद रखिएगा कि इनके बाद मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएंगे, यानी वर्ब प्लस आईएनजी आएंगे। अब जब आप देखेंगे यहां डायरेक्टली यूज टू है ना, तो डायरेक्टली यूज टू है तो इसके बाद आने वाला गोइंग नहीं, क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा, ठीक है। और मैं बता दूं कि यहां यूज टू नहीं, यहां पे यूज टू हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी गलत है, समझे, यहां पे यूज टू हो जाएगा और उसके बाद गोइंग होगा, होगा क्यों, क्योंकि मैं बताया हूं कि सब्जेक्ट प्लस यूज टू यानी प्रेजेंट की आदत को बताने के लिए कभी यूज टू का प्रयोग ना करें जब तक कि डी इसमें ना लगा हो, क्योंकि वह भी प्रेजेंट की आदत कब बताएगा, जब ये वर्ब टू बी के साथ आएगा तब। जैसे आई एम यूज टू टीचिंग, आई एम यूज टू टीचिंग, ठीक है ना, मैं पढ़ाने का आदि हूं, यानी मेरी अभी की आदत है पढ़ाने की। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 देखिए। I had to go to the doctor because I was not bear the pain in my tooth. ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा इसमें क्या है कि I had to go to the doctor because I was not bear. हम बता रहे हैं कि यह जो सेंटेंस है दोनों के दोनों पास्ट में है, एक had to go और was not bear. ठीक है? अब थोड़ा सा इसका हिंदी में सेंस लगाने की कोशिश कीजिएगा। I had to go to the doctor. मुझे डॉक्टर के पास जाना था। क्यों जाना था भाई? Because क्योंकि I was not bear the pain in my tooth. यानी मैं अपनी दांतों में जो दर्द हो रहा था ना, ठीक है ना, उस दर्द को मैं बर्दाश्त नहीं करता, ठीक है ना, नहीं कर रहा था। तो यहां पे bear होगा, नहीं होगा, ठीक है ना, यानी यहां पे याद रखिएगा कि bear जो verb है इसका वर्ब प्लस आईएनजी नहीं बनाएंगे, ठीक है ना, तब क्या हो जाएगा, आई डिंट बियर, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बर्दाश्त नहीं किया इसीलिए मुझे डॉक्टर के पास जाना, ठीक है ना, जाना पड़ा भी होता है। इसका हेड ये स्पेशल स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू हैव में दो कैटेगरी आ जाएंगे,
एक हैज और हैव और दूसरा पास्ट का कैटेगरी आएगा हैड, ठीक है ना। और इनके बाद अगर टू प्लस वी वन आता है, ठीक है, तो यह कंपल्सन बताता है, ठीक है ना, मजबूरी बताता है कि इसमें काम होना चाहिए। जैसे आई हैव टू गो टू पटना, मुझे पटना जाना पड़ता है। आई हैव टू अटेंड द क्लास, मुझे क्लास अटेंड करना पड़ता है। और यहां पे है मुझे जाना पड़ा, ठीक है ना, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा क्योंकि मैं पेन को बर्दाश्त नहीं किया, ठीक है ना, जो हमारी टूथ में पेन हो रही है उसे मैं बर्दाश्त नहीं किया, इसीलिए मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो यह जो होंगे, कभी याद रखिएगा कि डिड नॉट बियर, यहां पे डिंट बियर होंगे, इसलिए डिंट बियर होंगे कि इनका हम आईएनजी फॉर्म नहीं बनाएंगे, ठीक है ना, आईएनजी फॉर्म नहीं बनाएंगे। अगर आईएनजी फॉर्म बनाएंगे तो इसका मतलब है कि पास्ट में दो घटनाएं हैं, एक घटना है पास्ट में लगातार चल रही है, दूसरी घटना है आई और खत्म भी हो गई, ठीक है ना। तो वैसी घटनाओं में हम इनका प्रयोग करते हैं, जो कि पहले एपिसोड में हम आपको बता चुके हैं। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 80, ही लाइक्स टू पुट ऑल द गार्बेज इनटू अ ब्लैक स्मॉल बैग, ठीक है, इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डीपली रूल एडजेक्टिव का, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बताता हूं। चलिए, ये जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जो है, ये एडजेक्टिव से रिलेटेड इरर है, ठीक है ना। अब यहां एडजेक्टिव से रिलेटेड इरर है, तो ये इरर क्या है, एडजेक्टिव में थोड़ा सा डीपली आप जाएंगे तो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव एक पढ़ना है, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव पढ़ना है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि बहुत सारे एडजेक्टिव जब एक साथ आते हैं तो हमें डाउट हो जाती है कि किस एडजेक्टिव को पहले रखें, किसको बाद में रखें, है ना। तो इसलिए मैं एक छोटा सा इसमें एक्सपेरिमेंट करके बता रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि ये मेरा एक्सपेरिमेंट क्या है। सबसे पहले मैं कुछ लेटर लिख रहा हूं, ठीक है, एस क्यू ए एस सी ओ एम पी, एस क्यू एस कॉम, ठीक है ना। अब देखिए, इस एस से मतलब क्या होता है, इस एस का मतलब होता है साइज, क्यू का मतलब होता है क्वालिटी, ठीक है ना। ये जो ए का मतलब है इसको हम लोग बोलते हैं एज, और इस एस का मतलब है इसको हम लोग बोलते हैं सेप, और सी का मतलब है ये है आपका कलर, ठीक है ना, और इस ओ का मतलब होता है, इसका मतलब है ओरिजिन, ठीक है ना, और इस एम का मतलब होता है मटेरियल, और इस पी का मतलब होता है पर्पस, ठीक है। इसी ऑर्डर में हम एडजेक्टिव को रखते हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यहां अगर मैं कहूं कि साइज, ठीक है, तो अगर साइज की बात करूं तो जनरली हम देखते हैं बिग है, स्मॉल है, शॉर्ट है, थीन है, ठीक है ना, ये सब साइज है। क्वालिटी की बात करते हैं तो हम बोलते हैं गुड है, बैड है, ठीक है ना, लेबोरियस है, ये सब क्वालिटी हो गया। एज की बात करते हैं, ठीक है ना, तो एज हम बताते हैं ना, ठीक है ना, जैसे ओल्ड है, यंग है, ठीक है ना, ये सब एज की बात हम लोग करते हैं। अगर शेप की बात करते हैं तो अगर बात करें हम स्क्वायर का, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर का, समझे, सर्कल का, तो ये सब शेप हो गए। उसके बाद कलर हो गया, रेड ब्लू जो भी है, ठीक है। उसके बाद ओरिजिन हो गया, जैसे अगर बात करें हम इंडियन का, ठीक है ना, तो इंडियन क्या हो गए, ओरिजिन हो गए, कहां से उत्पत्ति हुई इंडियन से, जैसे अभी रिसेंटली वायरस चल रहा है, ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये चाइनीज वायरस है, उत्पत्ति कहां से हुई है, चाइनीज से, ओरिजिन कहां हुआ है, चाइनीज हुआ है, ठीक है ना। मटेरियल की बात करते हैं, ठीक है ना, तो मटेरियल की बात जब कीजिएगा तो इसमें हो जाएगा कि जो जो मटेरियल से रिलेटेड वस्तु है, ठीक है ना, मटेरियल नाउन से रिलेटेड जो बने हुए एडजेक्टिव है उन्हें हम मटेरियल एडजेक्टिव की संज्ञा देते हैं, ठीक है ना। तो
मटेरियल की बात अगर करते हैं तो इसमें कुछ नाउंस आ जाएंगे। चलिए इसको देखते हैं आगे। उसके बाद है पर्पस, ठीक है ना। पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य, ठीक है ना, उद्देश्य। देखिए मटेरियल्स में आपका गार्बेज आ गया, ठीक है ना, गार्बेज एक मटेरियल है, समझ गया ना। और उसके बाद होता है पर्पस, पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य, ठीक है ना। तो किस उद्देश्य के लिए यह काम किया गया है, जैसे अगर मैं बात करूं वेडिंग का, ठीक है ना, तो किस पर्पस के लिए, वेडिंग पर्पस के लिए, ठीक है ना, पर्पस आपका यही है, ठीक है। तो ये जो सारे आप ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव देख रहे हैं, एस क्यू एस सी ओ एन पी, एस पी साइज, क्यू मीन्स क्वालिटी, एम मीन्स एज, एस पी एस मीन्स शेप, सी कलर, ओ ऑरिजिन, एम मटेरियल, और पी से पर्पस, ठीक है। अब जरा ये सब जो आप देख रहे हैं, समझे, अब इसका कुछ मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जरा देखिएगा। देखिए सबसे पहले क्या आया, ध्यान दीजिएगा, ये बिग और स्मॉल क्या हो गया, साइज हो गया। उसके बाद है सांप, बहुत तेज है, बहुत तीक्ष्ण है, क्या आ गया, क्वालिटी, ठीक है ना, आ गया। यानी हम एस क्यू वाले फॉर्मेट में लाए हैं, ला दिए ना, ठीक है। आगे बताते हैं, हम लिखते हैं ऑनरेबल ओल्ड मैन, यहां पे देखिए ऑनरेबल ओल्ड मैन। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, ऑनरेबल, ऑनरेबल क्या है, क्वालिटी है ना। उसके बाद ओल्ड, ओल्ड क्या है, ठीक है ना, एज है, देखिए तो एज है, तो क्यू और ए की श्रेणी में आ गया, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं, एक और आपको एग्जांपल यहां पे दे, चलो इसको मिटा के आपको देते हैं एक एग्जांपल। चलिए देखिए, अगर मैं कहूं कि ऑरेंज, ऑरेंज अमेरिकन, अमेरिकन वेडिंग साड़ी, एक और लिखते हैं डायमंड साड़ी, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या है, ऑरेंज कलर है, ये ऑरिजिन है, ठीक है ना, ये जो है आपका पर्पस है, ठीक है, और ये जो है मटेरियल है, ठीक है। आप मुझे बताइए कि क्या ये ऑर्डर में है, नहीं ऑर्डर में नहीं है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि पर्पस के पहले मटेरियल आना चाहिए, जबकि यहां पे हमने क्या किया, पर्पस पहले लिखा, मटेरियल बाद में लिखा, गलत हो गया यहां पे, ठीक है ना। तो यहां पे इसको केवल चेंज करेंगे, इसको केवल हम इंटरचेंज करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं डायमंड, ठीक है ना, और उसके बाद लिखते हैं वेडिंग। अब सही हुआ, ऑरेंज अमेरिकन डायमंड वेडिंग साइज, हो गया, समझे। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको लिखवाया हूं, और बहुत डीपली एक चीज है, ठीक है ना। नॉर्मली ये आपको बुक्स में बहुत कम मिलते हैं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मिलेंगे, तो इस चीज को आप अच्छी तरह देख लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। चलिए आपको कैसा लगा ये वीडियो, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ मैं क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में आपके सामने रख रहा हूं, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, अपने दोस्तों को बताएं कि वो भी इससे फायदा ले सके। थैंक यू वेरी मच फॉर अपकमिंग एपिसोड 8। थैंक्स अ लॉट।